हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट 6 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर हैज टोटल एनर्जी 600 जूल। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। यहां की कंसेप्ट पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है इन SHM। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एज वी नो दैट मीन पोजीशन पर जब एक्स की वैल्यू जीरो होती है तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। हाफ के ए स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपने जीरो रख दिया तो के मैक्स आएगा हाफ के ए स्क्वायर। वैल्यूज रखने पर यू विल गेट हाफ के की वैल्यू 6 × 10⁵ और ए की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4/100 मीटर। के मैक्स 3 × 10⁵, 16/10⁴। Ke max is 480 joule. This is the kinetic energy maximum, right? We have to find out potential energy minimum. We know that total energy constant hoti hai, right? So एट मीन पोजिशन जब एक्स की वैल्यू जीरो होती है, एक्स इक्वल जीरो पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। के मैक्स हमने निकाला 480 जूल, प्लस वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमें दिया हुआ है 600, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इक्वल 600 − 480 इक्वल 120 जूल। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।